हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 की शुरुआत अब हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है और बीसीसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हमें आईपीएल 2020 खेलते हुए देखने को मिलने वाला है। और आईपीएल 2020 के लिए आईपीएल फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए आईपीएल 2020 से निकल कर आ रही 5 बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आपके सामने आया हूं। तो ऐसे में अगर आप लोग आईपीएल के बड़े वाले फैंस हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज़, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर, वो जुड़ी हुई है टाइटल स्पॉन्सर से लेकर। दरअसल टाइटल स्पॉन्सर के बारे में लगातार हर रोज ही नई अपडेट निकल कर सामने आई है। और अब नई अपडेट के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि टाटा इस लिस्ट में सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि बीसीसीआई की साइड से स्टेटमेंट आया था कि वो ऐसी कंपनीज को प्रेफर करना चाहते हैं जिनमें चाइना का इन्वेस्टमेंट कम से कम है और टाटा उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है अभी अपनी कंडीशन के हिसाब से। उनके साथ ही दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है अनअकैडमी का। लेकिन अब सोर्सेस की माने तो 90 से 95% टाटा यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। और क्योंकि 18 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन आने वाला है जो कि आज है, तो ऐसे में आज शाम तक टाइटल स्पॉन्सर हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। पतंजलि इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। बाबा रामदेव इसके बारे में खुद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि पतंजलि इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो कि निकल कर आ रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा से लेकर। दरअसल अगर आप लोग इनको इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर फॉलो करते हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। विराट कोहली भी अब बेंगलोर जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो 18 को ही आने वाले हैं, और उनके साथ ही रोहित शर्मा ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। और जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके हिसाब से इन्होंने कोविड-19 की पहले टेस्टिंग यहाँ पर दे दी है और उस टेस्ट को ये दोनों ही प्लेयर आसानी से पास कर चुके हैं। यानी कि अब ये लोग फिलहाल पहला टेस्ट पास कर चुके हैं, दूसरा वाला टेस्ट जब भी होगा उसमें जैसे ये लोग पास होते हैं वैसे ही ये यूएई जाने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को लेकर। दरअसल पिछले एक महीने में काफ़ी सारी बातें साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को निकल कर आई हैं। जिस तरह वहाँ पर नेशनल लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से हमें एक बार लगा था कि शायद हो सकता है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हमें यूएई ना आते हुए दिखें और उनके बिना ही आईपीएल 2020 हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि प्लेयर्स और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड और वहां की गवर्नमेंट के बीच में बात हुई थी और उसके बाद उन्हें परमिशन मिल गई थी। और अब इस खबर पर यहां पर पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने सामने से आकर स्टेटमेंट दे दी है कि 10 बड़े साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को यूएई जाने की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है वहां की गवर्नमेंट से, और ये सारे बड़े प्लेयर्स हमें आईपीएल 2020 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी प्लेयर यहां पर बाहर नहीं हुआ है साउथ अफ्रीका का। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कैंप को लेकर। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑलरेडी चेपॉक स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस कर रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे चाहे उनकी वर्कआउट वीडियोज़ हों या फिर उनकी फील्ड के ऊपर ट्रेनिंग हो, सुरेश रैना, एमएस धोनी, पीयूष चावला, अंबाती रायडू, बड़े बड़े सीएसके के प्लेयर्स वहां पर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस लिस्ट में अब दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम का भी नाम आ चुका है। वो लोग भी, उनके जो होम प्लेयर्स हैं बेसिकली, वो हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ चुके हैं, पृथ्वी शॉ, उनके साथ ईशांत शर्मा और शिखर धवन भी हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अब ये क्लियर हो चुका है कि सारी टीमें जिस लेवल पर अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं वो उस लेवल पर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर चुकी हैं। बढ़ते हैं हमारी पांचवी और आखिरी अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क की तरफ से। दरअसल मैंने आपको बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाकर स्टार्क का जो आईपीएल में आने का स्टेटस है उसके बारे में क्लैरिटी दे दी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी हो तो आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज सोर्सेस से भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है मिचेल स्टार्क की हमें यूएई में आईपीएल 2020 में एंट्री होते हुए दिख जाए। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि स्टार्क और बीसीसीआई का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये वो सीन नहीं है कि जहाँ पर अगर स्टार का रिलेशन अच्छा होता तो शायद बीसीसीआई उनको पिक कर भी लेती। लेकिन रिप्लेसमेंट के केस में भी बीसीसीआई रूल बना चुकी है कि जिन्होंने ऑक्शन में नाम दिया था सिर्फ उन्हीं को आप ले सकते हो। तो स्टार के लिए आईपीएल में आने का जो एक पॉसिबल रास्ता था वो भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो मिचेल स्टार्क आईपीएल 2020 का हिस्सा बनते हुए हमें नजर नहीं आएंगे, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुकी है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।